मैं देख रही थी, फेस पहले की थी, एफर्ट्स थ्रू वेदर इंस्ट्रूमेंट लुक्स एज थो इट इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंस्ट्रक्ट। फेस पहले की है कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पसंद नहीं है वो ऐसे लगना चाहिए देखने में कि वो कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है या फिर नहीं, बेस्ड ऑन जजमेंट नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, किसी ऑफ जजमेंट के ऊपर बेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी इजियर टू परसुएड पीपल टू पार्टिसिपेट इन एन एवैल्यूएशन इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड हैज फेस वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी में ये फेस जैसे कि फेस होता है चेहरा, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को देख के लगना चाहिए कि वो जो कंस्ट्रक्ट है उसको मेजर कर रहा है। और ये लोग ये फेस वैलिडिटी जो है वो इजियर है एवैल्यूएशन करने के लिए और ये सिर्फ जजमेंट के ऊपर बेस करती है, इसका कोई असेसमेंट क्राइटेरिया नहीं है। कंटेंट वैलिडिटी द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट हैज एन एडिक्वेट सैंपल ऑफ आइटम फॉर द कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड। तो कंटेंट में इसका कंटेंट क्या आ जाता है कि कितने क्वेश्चन हैं वो इंस्ट्रूमेंट में या क्वेश्चनेयर में मौजूद हैं जो कि कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। कंटेंट वैलिडिटी इज रेलेवेंट फॉर बोथ अफेक्टिव मेजर, फॉर एग्जांपल मेजर रिलेटिंग टू फीलिंग्स इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स एंड कॉग्निटिव मेजर। तो कंटेंट वैलिडिटी जो है वो रेलेवेंट होती है अफेक्टिव मेजर्स के लिए और कॉग्निटिव मेजर्स के लिए। इसमें कंटेंट जो है वो देखा जाता है कि वो कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए इनफ है या फिर नहीं। For example, suppose we were testing students' knowledge about major nursing theory. The test would not be content valid if it omitted questions about, for example, oral self-care theory. So, अगर हम theory के बारे में जो है वो nurses का knowledge check करना चाह रहे हैं students का, तो उसमें अगर एक theory की knowledge missing होगी तो वो content valid जो है वो नहीं होगा। An instrument's content validity is necessarily based on judgment. Judgment के ऊपर based करती है इसकी content validity. There are no completely objective method of ensuring the adequate content coverage of an instrument. However, it is becoming increasingly common to use a panel of substantive experts to evaluate and document the content validity of new instruments. The panel typically consists of at least 3 experts, but a larger number may be advisable if the construct is complex. So, इसके जज करने के लिए पैनल करते हैं कंटेंट वैलिडिटी के लिए और उसमें मिनिमम 3 एक्सपर्ट होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंड ऑन कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये मिलकर जज करते हैं कंटेंट वैलिडिटी को, एक्सपर्ट्स होते हैं तो कम अज कम 3 होने चाहिए। अभी तक जो पर आपको समझ में आ गई आवाज आ रही है नहीं सबको?
ये मैं रिपीट कर देती हूँ। कंटेंट एनालिटी में देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आपके जो आपका टॉपिक है उसके कंस्ट्रक्ट को मैयर करने के लिए इनफ है या फिर नहीं। अब उसने एग्जांपल दी है कि नॉलेज टेकन एक्शन थ्योरीज के बारे में स्टूडेंट्स का, तो अगर हम एक थ्योरी भी करेंगे तो वो कंटेंट वैलिड नहीं होगा। और कंटेंट वैलिडिटी को चेक करने के लिए पैनल फैक्ट है जिसमें तीन कम अज कम तीन एक्सपर्ट्स होते हैं कंटेंट वैलिडिटी को जज करने के लिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनेयर में कंटेंट जो है दिया गया है वो वैलिड है या फिर नहीं वैलिड, आपके टॉपिक को कवर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो ये देखते हैं कंटेंट वैलिडिटी में। आइटम रेलेवेंस के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी रेलेवेंस के बारे में बात की गई है। With regard to item relevance, some researchers compute inter-rater agreement index and a formal content validity index across the expert rating of each item's relevance. So, item relevance देखने के लिए inter-rater agreement index या content validity index है वो measure किया जाता है। एक्सपर्ट जो रेटिंग करते हैं उसकी रेलेवेंस देखने के लिए एक कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स 4.80 और बेटर इंडिकेट गुड कंटेंट वैलिडिटी। तो सीबीआई का जो स्कोर है वो अगर 0.8 ज्यादा होगा तो वो शो कर रहा है कि गुड कंटेंट वैलिडिटी है। हाँ, इसकी रेंज है 1 तक, 0 to 1 है इसकी रेंज। सीबीआई इंडेक्स की जो स्कोर है ना उसकी 0 to 1 है। तो 0.8 जो है वो बेटर है, उससे ज़्यादा 0.9 और 1 जो है वो गुड कंसीडर किए जाते हैं। और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट आ जाता है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। द डिग्री टू विच द इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया। अब इसमें देखते हैं कि एक्सटर्नल क्राइटेरिया के लिहाज से इंस्ट्रूमेंट की जो है वैलिडिटी चेक की जाती है। द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट स्कोर कोरिलेट्स हाईली विद स्कोर ऑन द क्राइटेरिया। जो क्राइटेरियन के स्कोर है उसके स्कोर के साथ कितने रेलेवेंट हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कह देते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड है। स्कोर रिसर्चर्स 12 के स्केल टू मेजर नर्सिस प्रोफेशनलिज्म।
There, Mr. The instrument resembled of nurses and also asked the nurses to indicate how many articles they have published. The publication variable was chosen as one of many potential objective criteria of professionalism. तो इससे हम एक्सटर्नली जो है ना एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं और उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो है वो वैलिडिटी देखते हैं. एग्जाम्पल भी है कि नर्सिस के प्रोफेशनलिज्म को चेक करना चाह रहा है रिसर्चर, तो उसने साथ में पब्लिकेशन को रखा हुआ है क्राइटेरिया और उसने साथ में पूछा है कि कितनी पब्लिकेशन है, तो जितनी पब्लिकेशन होंगी उतना वो स्कोर जो है वो देगा प्रोफेशनलिज्म. ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है और उस क्राइटेरिया के साथ वैलिडिटी देखी जाती है. ये मैं रिपीट कर देती हूँ. इसमें यह है कि एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है और उस क्राइटेरिया के साथ जो है वो सिनेरियो को मैच करके स्कोर किए जाते हैं. एग्जांपल भी है कि नर्सिस की प्रोफेशनलिज्म को चेक करना है एक स्केल में, तो स्केल बनाया गया नर्सिस की प्रोफेशनलिज्म को चेक करने के लिए और साथ में पूछा गया कि कितनी पब्लिकेशन है, तो जो पब्लिकेशन है वो एक्सटर्नल क्राइटेरिया जो के असेस करेगा प्रोफेशनलिज्म को, जितनी उनकी पब्लिकेशन होंगी उतनी वो ज़्यादा अपना चीज है वो प्रोफेशनलिज्म में काउंट होगा कि वो प्रोफेशनल है. तो ये एक क्राइटेरिया जो है रिसर्चर की तरफ से आता है. वैलिडिटी कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड द क्राइटेरिया. तो वैलिडिटी कोफिशिएंट के स्कोर जो है वो एनालाइज किए जाते हैं रिलेशनशिप देख के इंस्ट्रूमेंट के स्कोर और क्राइटेरिया के स्कोर का. जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म था तो नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म के स्केल को देखा प्लस पब्लिकेशन के स्कोर को देखा और इनका आपस में रिलेशनशिप देख के वैलिडिटी कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया. इसकी टाइप से आगे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इंस्ट्रूमेंट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश पीपल हुज परफॉर्मेंस डिफर होना फ्यूचर क्राइटेरिया. प्रेडिक्ट फ्यूचर एटीआई प्रेडिक्ट पासेज और देन क्लैश. तो एटीआई एक एग्जाम है, प्रेडिक्टिव में ये कि प्रेडिक्शन देगा कि अगर उसने एटीआई की एग्जाम पास कर लिया तो वो एन क्लैश का एग्जाम भी पास कर लेगा. तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में जो है वो प्रेडिक्शन दी जाती है, अगर ये ऐसा हो गया तो नेक्स्ट वो ये काम भी कर लेगा. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया.
मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रडिक्टिव एनालिटी में इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी डिस्टिंग्विश करती है जो कि फ्यूचर में जाकर डिफरेंट क्राइटेरिया पे परफॉर्म करेंगे। लाइक इसमें हम प्रडिक्ट कर देते हैं कि अगर किसी ने एपीआई प्रडिक्ट पैथोजन एनालिसिस सेट एग्जाम पास कर दिया तो वो एनालिसिस का एग्जाम भी पास कर लेगा। तो इसमें फ्यूचर की प्रडिक्शन की जाती है। Confidence validity, the instrument's ability to distinguish in which one would differ on a present criteria. For example, two scales may be same thing, or depression scale, new depression scale, loneliness or depression. The confidence validity में दो चीजों का जो है वो difference किया जाता है criteria, तो दो different criteria को distinguish करता है instrument या questionnaire आप। Discriminative validity able to distinguish between two criteria, distinguish between two reasons. So discriminative validity में दो चीजों का difference किया जाता है जैसे depression scale और happiness scale। Next आ जाता है construct validity। Concerned with these questions, what is this instrument really measuring? Does it adequately measure the construct of interest? क्या ये जो है construct को measure कर रहा है या फिर नहीं, और इस instrument के really जो है वो क्या measuring की है, वो इस instrument में क्या measure कर रहा है। तो ये वाले questions जो है वो construct validity को represent करते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसमें सब क्लियर है? एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी सबको?
some methods of assessing construct validity. Known group techniques. Testing relationship based on theoretical predictions. In this procedure, the instrument is administered to groups expected to differ on the critical attributes because of some known characteristics. For instance, in validating a mere appear of the label experience, we could contrast the score of primary parallel multiplier. इसमें क्या करते हैं नॉन ग्रुप में टेक्निक में एक हमें पता होता है ग्रुप का एक्सपीरियंस और दूसरे को उसके साथ कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल पीयर को लेबर के पीयर को मेजर करने के लिए हम स्कोर्स हैं वो देखेंगे कंपेयर करेंगे प्राइमरी पेयर्स का मल्टी पेयर्स के साथ. इसमें पता होता है कि दूसरा ट्रैक ग्रुप को डिफर करेगा क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स हैं हमें नॉन होते हैं. फॉर एग्जांपल पीयर प्राइमरी पैरा में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मल्टी पैरा. तो नॉन ग्रुप टेक्निक इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हमें इसके इसमें एक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉन होते हैं. Another method of construct validation involves an examination of relationships based on theoretical prediction. It is really a variant of the non-group approach. इसमें क्या करते हैं validate करते हैं relationship को theory की prediction के ऊपर based करते हैं. For example, according to theory, construct X is positively related to construct Y. Instrument A is a measure of construct X and instrument B is a measure of construct Y. Scores on A and B are correlated positively as predicted by the theory. तो इसमें है कि अगर theory में construct X है वो positively related कर रहा है Y के साथ, instrument A है वो construct X को measure कर रहा है, instrument B है construct Y को measure कर रहा है, तो क्योंकि X और Y positively related कर रहे हैं, इसी तरह से A और B है वो
इसमें ये कह रहा है कि हम एक नॉन बुक क्लॉज यूज करते हैं और उसमें थ्योरी कह रही है कि कंस्ट्रक्ट एक्स जो है वो पॉजिटिव में रिलेटेड है कंस्ट्रक्ट वाई के साथ, तो इंस्ट्रूमेंट ए जो है वो मैं कर रहा है कंस्ट्रक्ट एक्स को और इंस्ट्रूमेंट बी जो है वो मैं कर रहा है कंस्ट्रक्ट वाई को। तो क्योंकि ऊपर कहा गया है कि एक्स और वाई पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, तो इसी तरह से ए और बी के स्कोर के आपस में पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ए मैं कर रहा है एक्स को और बी मैं कर रहा है वाई को। हाँ मैथड ऑफ असेसिंग कंस्ट्रक्ट वाले थी। फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस द मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग क्लस्टर ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, ईच क्लस्टर कॉल्ड ए फैक्टर रिप्रेजेंट रिलेटिवली यूनिटरी एट्रीब्यूट। तो फैक्टर एनालिसिस में फैक्टर बना दिए जाते हैं और फैक्टर जो है वो एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर वन एक्सेप्शंस और इसमें 10 आइटम्स हैं, फैक्टर टू इनर 7 और इसमें 8 आइटम्स हैं। फिर जिस तरह से आप कह रहे हो कि नॉलेज एट्रीब्यूट और प्रैक्टिस, अगर आप 3 फैक्टर करना चाह रहे हो तो नॉलेज में कितने क्वेश्चन आएंगे, एटीट्यूड में कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो फैक्टराइजेशन हो जाती है। हर फैक्टर जो है वो एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर हो गया जो पढ़ा अभी तक? Any question?
ओके, अब मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना। ओके, अब हमें पढ़ना है डाटा कलेक्शन कोड एवेंचुअली, तो हम डाटा कलेक्शन प्रोसेस को और लिस्ट करेंगे आप स्टेप्स को, डिवाइडिंग अपॉन डाटा कलेक्शन अप्रोच एंड लिस्ट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बायोफिजियोलॉजिकल वे ऑफ डाटा कलेक्शन, डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ बायोफिजियोलॉजिकल वे एंड डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ बायोफिजियोलॉजिकल वे एंड एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन। तो जवाब जवाब क्या है वो? The screening or diagnostic instruments, sensitivity, the instrument's ability to correctly identify a case, to diagnose a condition, example stress tests have high sensitivity and results in a large number of false positives. तो सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को कहते हैं कि वो कितने डिजीज पर्सन को जो है डायग्नोज करता है, उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। आपने ये एपिडेमियोलॉजी में भी पढ़ी होगी, वही चीज है ये भी। और स्पेसिफिसिटी क्या होती है? द इंस्ट्रूमेंट एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई नोन केसेस, या नोन डिजीज पर्सन, हेल्दी पर्सन को करेक्टली आइडेंटिफाई करने एबिलिटी जो है वो स्पेसिफिसिटी कहलाती है। Example, cardiac test has high specificity and has a low number of false positives. So, किसी भी instrument की sensitivity और specificity ability है, sensitivity correctly identify disease person और specificity है कि identify correctly identify non-disease person. No, usually give up one for the other. Difficult to find a perfect balance. परफेक्ट बैलेंस फाइंड करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लियर हो गई सबको? Thank you.
qualitative research, not concerned स्टैंडर्ड्स अभी मैंने कहा ही नहीं लगाया आपका एंड अंडरस्टैंड माइनस टू हो गया मेरे जीवा वन फॉर दी अदर डिफिकल्ट टू फाइंड आउट परफेक्ट बैलेंस यूजुअली क्या होता है यहां तो सेंसिटिविटी जो है वो ठीक नहीं होती है स्पेसिफिकली जो है वो ठीक नहीं होती तो परफेक्ट बैलेंस फाइंड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट